नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एक वीवो का फ़ोन है, वीवो Y90। मैंने बहुत सारे मॉडल्स डाले हुए हैं, वीवो Y90, Y90i। तो ये MediaTek जिस तरीके CPU का फ़र्क होता है, किसी में अगर वीवो Y90 है तो उसमें कॉलकम हो सकता है, MediaTek हो सकता है फ्रेंड। तो इसमें ये वीवो Y90 है, इसको कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं, सारी चीज़ें भी आपको पता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है, किसी यूज़र ने इसको पैटर्न भूल गए हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं ये वीवो का एक Y90 मॉडल है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको अच्छे से दिखा देता हूं। ये वीवो का Y90 है और इसकी हम अनलॉकिंग करेंगे फ्रेंड्स UMT से, और किस बहुत सारी चीज़ों से एरर्स आते हैं इसमें, और मेटा मोड में एरर आता है। तो फ्रेंड्स हम इसको इसकी चुटकी में आपको इजीली तरीके से इसकी FRP तो बाईपास के लिए आप आई बटन में जा करके FRP बाईपास देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसकी अनलॉकिंग बहुत ही चुटकी में दिखाने वाला हूँ फ्रेंड। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जब आपको पता चलेगा कि इसको आप कैसे करते हैं। मैं इसको न्यू ट्रिक से करूँगा, जो मिरेकल का न्यू ट्रिक आया हुआ है उससे मैं इसको करने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा, वीवो का फ़ोन हमने आपको दिखाया हुआ है, वहाँ पे वीवो का एक मॉडल है जो कि आपको हमने वहाँ पे दिखाया हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको UMT से इस बार नहीं करके दिखाने वाला हूँ, मैं इस बार मिरेकल से करके दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप मेरे पहले वीडियो में भी आप देखे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पूरी तरीके से आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। तो चलिए देर नहीं करते हो, तो आपको मिरेकल ओपन कर लेना है। मैं मिरेकल थंडर यूज़ कर रहा हूँ, जो भी लेटेस्ट अभी करेंट का वर्जन होगा मैं मिरेकल थंडर को यूज़ करूँगा। और उसके साथ साथ आपको डिवाइस मैनेजर साथ में खोल के रखना है, जिससे कि आपको पता चले फ्रेंड्स कि हमारा कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। और जब तक हमारा मिरेकल थंडर ओपन हो रहा है, तब तक मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे दूँ फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे नए नोटिफिकेशन जैसे हमारे वीडियो डलेंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन सारे यहाँ पे मिल जाएंगे फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिले। तो चलिए मिरेकल थंडर को देर न करते हुए ओपन करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मिरेकल थंडर भी ओपन हो चुका है हमारा फ्रेंड्स इजली तरीके से। अब आपको MediaTek CPU है इस पे, तो MediaTek पे जाएंगे। MediaTek के जाने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, MediaTek जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपको बूट 8 लेना है, उसके बाद आपको मेटा मोड में करना है फ्रेंड्स। अगर ब्राउन मोड में आप करेंगे तो नहीं होगा, आपको इसे मेटा मोड में करना है। तो मेटा मोड में आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको मॉडल ले लेना है, Y91 है, क्योंकि इसमें मैंने Y83 इसलिए लिया है क्योंकि इसमें Y91 है नहीं, तो आप इसको Y83 दे सकते हैं ठीक है। अगर आपके पास और भी कोई दूसरा सेट आया तो ऐसे ही मॉडल चेंज करके आप बूट इसका ले सकते हैं। तो मैं इसको Y83 ले लेता हूँ, और अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। अब हमें सिंपली स्टार्ट दबाना है, और सिंपली स्टार्ट दबाने के बाद इसे नो करना है, क्योंकि हमें कोई भी बैकअप नहीं चाहिए, इसे आपको नो करना है। नो करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, फ़ोन को प्रॉपर तरीके से ऑफ करना है और आपको कनेक्ट कर देना है, कोई भी की प्रेस नहीं करनी है। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, इस टाइम पे आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, फ़ोन को ऑफ करना है और सीधा USB केबल इंसर्ट कर देना है। तो जैसे ही आप USB केबल इंसर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे ड्राइवर डिटेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी ये मेटा मोड पर नहीं गया है, अभी ये मेटा मोड में जाएगा फ्रेंड्स, लिखा हुआ है वेटिंग फॉर USB पोर्ट। अभी ये केवल नॉर्मल मोड ब्राउन मोड में ये कनेक्ट हुआ है फ़ोन। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से ब्लिंक किया फ्रेंड्स। यही चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप हमेशा इस पे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब जाके समझ में आएगा। ये देखिए ये हमारा अब मेटा मोड में चला गया फ़ोन, और यहाँ पे देखिए ड्राइवर भी बन गया। जब तक ड्राइवर सो होगा तब तक हमारा ये फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा कंप्लीट भी हो गया। मैं आपको ड्राइवर दिखाते दिखाते ही हमारा ये फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे वो मोड भी हट चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही कम मिनट के अंदर ये हमारे फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। ये आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने आपको इसका मेटा मोड का ड्राइवर नहीं दिखा पाया, और चलिए वो सारी चीज़ें मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ और आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे देखा बहुत ही कम समय में इसकी कम से कम, जैसे ही मैंने ड्राइवर दिखाते दिखाते यहाँ पे आपकी ये फॉर्मेटिंग सेट हो गई है। तो फ्रेंड्स ये आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू लास्ट में, आप इसे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और क्या एक्चुअल में ये हुआ कि नहीं हुआ, तो इस वीडियो को आप बने रहें और लास्ट तक देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये इजीली तरीके से अनलॉक हो चुका है। ये वही फ़ोन है जैसा कि हमने दिखाया था, वीवो का Y90 है फ़ोन ये,
आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। Y90i सबके मेथड अलग होते हैं, सीपी वाइज होते हैं, किसी में क्वालकॉम, किसी में मीडियाटेक, वो सारी चीज़ें आपको हमने शुरू बताई है। तो चलिए इसकी हमारा देखते हैं 100% सक्सेस हो चुका है, ये वही फ़ोन है। अब इसे हम नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे अगर ये टैब आपका नहीं हटता है तो इसको आपको कुछ मिनट तक प्रेस करके रखना है, और जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो ये रिमूव के लिए आएगा फ्रेंड, तो आप इसे इजीली क्लोज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं वो भी हट गया है जो आपके सामने भी दिख रहा था फ्रेंड्स। अब आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट करना है, अब एग्री करना है फ्रेंड्स। एग्री करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे स्किप करना है, यहाँ पे स्किप करना है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको स्किप करना है, स्किप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट करना है, अब यहाँ पे भी स्किप करना है आपको फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये FRP फोन होगा तो बैक चला जाएगा फ्रेंड। तो अगर आपको FRP देखनी होगी इसकी तो आई बटन में इसकी FRP डली हुई है, आप फ्रेंड्स वहाँ पे जाइए, आप चुटकी में इसकी FRP हटा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे FRP भी लगी हुई है, तो मैं इसकी FRP तो भी चुटकी में ही हटा दूंगा, बट ये आपको हाइड करूंगा। और ये वीडियो आपको इसकी FRP जानने के लिए फ्रेंड्स आपको आई बटन में इसकी FRP बाईपास बहुत ही सिंपल ट्रिक दी गई है, आप वहाँ से जा करके इसको चुटकी में FRP इसका बाईपास कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आपने देखा था वो FRP था, फिर से हमें कुछ मिनट ही लगे हैं इसको बाईपास करने में। तो आप देख सकते हैं अब इसको जैसे यूज नाउ पे करेंगे ये वही फोन है, और देखिए चुटकी में इसकी FRP भी रिमूव हो गई फ्रेंड। तो मेरे को बस 1 मिनट लगा इसकी FRP बाईपास करने में। तो फ्रेंड्स ये आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें हमने यहाँ पे करके दिखाई हुई है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर आई बटन में जाएं और इसकी FRP बाईपास जरूर देखें। थैंक यू।